हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बाय मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल की क्लास में हमने इनकम और एक्सपेंडिचर का पार्ट 1 करा था, तो आज की क्लास में हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे और इनकम और एक्सपेंडिचर का पार्ट 2 हम आज सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा हम अपने क्वेश्चंस को करने की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को याद होगा कि इस फॉर्मेट के क्वेश्चन को करने के आपको मैंने 2 मेथड समझाए थे। पहला हमारे पास क्या था, बेसिक मेथड, और दूसरा हमारे पास क्या था, एलिगेशन मेथड। तो आज के इस फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों ही तरीके एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा और फिर आगे की चीजों को हम सॉल्व करेंगे। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, जैसे ही कोई भी पर्सन अपनी इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेगा तो उसके पास क्या आ जाएगी, सेविंग। तो एक पर्सन ने अपनी इनकम का 80% खर्च करा तो यहाँ पर 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी, 4/5। अगर पर्सन की इनकम है 5 यूनिट तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, 4 यूनिट, और यहाँ पर सेविंग हमारे पास कितना आ जाएगी, 1 यूनिट। अब इसके बाद पर्सन की इनकम को 10% इंक्रीज करा तो जैसे ही 5 यूनिट इनकम को 10% इंक्रीज करोगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। तो उस डेसिमल से बचने के लिए पर्सन की इनकम को आप 500 यूनिट मान लो तो एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना होगा, 400 यूनिट, और सेविंग हमारे पास कितना आ जाएगी, 100 यूनिट। अब इनकम को 10% इंक्रीज करा तो यहाँ पर इनकम कितना हो जाएगी, 550। एक्सपेंडिचर को 15% इंक्रीज करा तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 460। और जैसे ही न्यू इनकम में से न्यू एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे तो न्यू सेविंग हमारे पास कितना आ जाएगी, 90। तो पहले आपकी सेविंग थी 100 रुपये, आज आपकी सेविंग है 90 रुपये, तो सेविंग कितने परसेंट डिक्रीज हुई, 10%। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए एक बेसिक अप्रोच हमारे पास ये होती है। और दूसरा मेथड हमारे पास क्या होगा कि इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन की हेल्प से सॉल्व करो। अब जब भी आप एलिगेशन अप्लाई करोगे तो एक तरफ लिखना है एक्सपेंडिचर, एक तरफ लिखनी है सेविंग, और बीच में हमारे पास क्या आएगी, इनकम। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एलिगेशन अप्लाई करने के लिए ये एक फॉर्मेट होती है, इसको आप याद कर लो। एक पर्सन ने इनकम का 80% खर्च करा तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी, 4/5। अगर पर्सन की इनकम है 5 यूनिट तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, और अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे तो सेविंग हमारे पास कितना आएगी, 1 यूनिट। इनकम को आपने 10% इंक्रीज करा, एक्सपेंडिचर को आपने 15% इंक्रीज करा, तो सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप एलिगेशन अप्रोच अप्लाई करोगे तो 15 में से 10 को माइनस करोगे तो 5, एक की वैल्यू है 5 यूनिट, तो यहाँ से 4 की वैल्यू हमारे पास कितना आएगी, 20 यूनिट। अब यहाँ पर
एक ऐसी वैल्यू आएगी कि जब इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 20। तो इसका मतलब जैसे ही आप ऑप्शन को देखोगे तो आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि यहाँ पर कितना होगा, 10। क्योंकि जैसे ही आप 10 में से 10 को माइनस करोगे तो प्यारे बच्चों हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 20। तो एलिगेशन से भी आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो और बेसिक से भी आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो। एलिगेशन अप्लाई करने के लिए इस फॉर्मेट को आप याद कर लेना। अब आगे आपको मैं 8-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूँ और इस कॉन्सेप्ट में आपको इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 12। पहले बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को रीड करो। एक पर्सन ने अपनी इनकम का 75% खर्च कर दिया। अगर इनकम को 23% इंक्रीज करा, एक्सपेंडिचर को 17% इंक्रीज करा, तो सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, 3/4। अगर पर्सन की इनकम है 4 यूनिट तो एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना होगा, 3 यूनिट। और फॉर्मेट क्या होती है, एक तरफ एक्सपेंडिचर एक तरफ सेविंग। पर्सन ने अपनी इनकम का 75% खर्च कर दिया तो अगर पर्सन की इनकम है 4 यूनिट तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 3 यूनिट, और सेविंग हमारे पास कितना होगी, 1 यूनिट। अब इनकम को 23% इंक्रीज करा, एक्सपेंडिचर को 17% इंक्रीज करा, तो सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, एलिगेशन लगाओगे, चीजें जल्दी आपके पास सॉल्व हो जाएंगी और आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। तो 23 में से 17 को माइनस करोगे तो 6 आएगा। अगर एक की वैल्यू है 6 तो 3 की वैल्यू हमारे पास कितना होगी, 18। अब यहां पर एक ऐसा नंबर आएगा जब इस नंबर में से 23 को माइनस करोगे तो हमारे पास 18 रिमेनिंग बचेगा, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 41%। इससे आसान अप्रोच इस क्वेश्चन को करने की नहीं हो सकती। आपको मैंने क्लास में भी एलिगेशन समझाया था, फिर से आपको मैं चीजें समझा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप कोशिश करना कि चीजों को एलिगेशन की हेल्प से ही सॉल्व करो। बाकी कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे भी आएंगे जिनमें आपको बेसिक पर ही जाना पड़ेगा, वो क्वेश्चन भी आपको मैं आज की क्लास में ही डिस्कस कराऊंगा। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी, 3/4। अगर पर्सन की इनकम है 4 यूनिट तो एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना होगा, 3 यूनिट, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर है हमारे पास 3 यूनिट और अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे तो सेविंग हमारे पास कितना आएगी, 1 यूनिट। इनकम को आपने 20% इंक्रीज करा, एक्सपेंडिचर को आपने 10% इंक्रीज करा, तो सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। बार बार मैं आपको एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ से आप को बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करना है। तो 20 में से 10 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10। एक की वैल्यू है 10 तो 3 की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगी, 30।
यहां पर एक ऐसा नंबर आएगा जब इस वाले नंबर में से 20 को माइनस करोगे तो कितना रिमेनिंग बचेगा, 30। तो यहां पर हमारे पास कितना आएगा, 50%। तो बस यही क्या हो गया आंसर। आपको एकदम बेस्ट अप्रोच मैं समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लास में भी समझाया था, एक बार फिर से रिपीट कर दिया। और 10 12 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूँ, इससे ज्यादा करने की आपको कोई जरूरत नहीं। करो आप ट्राई एक बार, जैसे ही वीडियो आपके सामने आएगी पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है। सॉल्व नहीं हो तो तब आपको इसका सॉल्यूशन देखना है। एक तरफ नोट करो एक्सपेंडिचर, एक तरफ सेविंग और बीच में इनकम। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी, 1/4। अगर राधा की इनकम है 4 यूनिट तो उसकी सेविंग कितना हो जाएगी, 1 यूनिट। और अगर इनकम में से सेविंग को माइनस करोगे तो एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना आएगा, 3 यूनिट। राधा की एक्सपेंडिचर को आपने 20% इंक्रीज करा, इनकम को आपने 29% इंक्रीज करा, तो सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज होगी ये आपको फाइंड आउट करना। बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करो तो यहां पर प्यारे बच्चों कितना आएगा, 9। अगर एक की वैल्यू है 9 तो 3 की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगी, 27। यहां पर एक ऐसा नंबर आएगा जब इस नंबर में से 29 को माइनस करोगे तो 27 बचेगा। तो यहां पर हमारे पास कितना आएगा, 56%। बस यही क्या हो गया आंसर। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एकदम रट गए होंगे और आप चीजों में कहीं भी नहीं फंसोगे। बाकी आपको अभी मैं 5 6 क्वेश्चन और करा देता हूँ, और ये जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ये सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन आपके सामने है, करो आप एक बार ट्राई। बेसिक अप्रोच का यूज आपको केवल वहां करना है जब चीजें एलिगेशन से सॉल्व ना हो। तो आपको क्लास में दो टाइप की बातें मैंने समझाई थी, दो टाइप के कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करे थे। पहले कॉन्सेप्ट हमने क्या समझा था कि अगर परसेंटेज में आपके पास वैल्यूज हो, जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन। और दूसरी टाइप में आपको मैंने क्या समझाया था कि अगर कहीं भी आपके सामने ओरिजिनल वैल्यूज आ जाएं, तो अगर कभी भी आपके पास ओरिजिनल वैल्यू आ जाएं, तो इसमें आपको करना क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो फाइंड आउट कर लो। तो प्यारे बच्चों, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना आएगा, 15:11। ये दो टाइप के सवाल हमारे पास बनते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिनमें कहीं पर भी आपके पास ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती। दूसरे टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिनमें आपके सामने ओरिजिनल वैल्यू आएगी। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी आपके सामने ओरिजिनल वैल्यू आ जाए तो उसमें आप क्या करो, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो फाइंड आउट कर लो। और जैसे ही इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो फाइंड आउट करोगे तो ये वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया जो अभी आपने इसके पहले सॉल्व करा था। अगर पर्सन का एक्सपेंडिचर है 11 यूनिट, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे तो सेविंग हमारे पास कितना आएगी, 4 यूनिट। इनकम को आपने 22% इंक्रीज करा, एक्सपेंडिचर को आपने 11% इंक्रीज करा, तो
तो सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगी ये हमें फाइंड आउट करना है। लगा दो एलिगेशन, एकदम सिंपल अप्रोच आपको मैंने समझाई है एलिगेशन। तो जैसे ही 22 में से 11 को माइनस करोगे तो हमारे पास 11 आएगा। एलिगेशन अप्रोच इसलिए बढ़िया होती है क्योंकि इसमें आप हिट एंड ट्रायल का यूज कर सकते हो। आपने यहाँ पर ऑप्शंस को देखा तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, दूर दूर। तो अगर ऑप्शन हमारे पास दूर दूर हैं तो हमें चीज़ों को एक्यूरेट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे रियलिटी में यहाँ पर 11 आएगा, 11 की जगह पर हमने एक बार 12 मान लिया। अब ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि ऑप्शंस दूर दूर हैं। तो अगर यहाँ पे 12 आएगा तो ये 4 का 3 गुना है, तो यहाँ पर 11 का 3 गुना कितना आ जाएगा, 33। तो अगर यहाँ पर 33 होगा तो यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू आएगी, जब इस वैल्यू में से 22 को माइनस करोगे तो 33 रिमेनिंग बचेगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो कितना आता, 55%। लेकिन रियलिटी में हमारा जो आंसर है वो 55 से थोड़ा सा कम आएगा। तो 55 से थोड़ा सा कम, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, 52.25%। इसमें ऑप्शंस दूर दूर थे इसीलिए हमने हिट एंड ट्रायल का यूज़ कर लिया। बाकी अगर ऑप्शन एकदम एक्यूरेट आ जाए तो हम चीज़ों को वैसे भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 11 से डिवाइड करोगे 4 को तो 2.75 आएगा। तो 11 में 2.75 की मल्टीप्लाई करोगे तो 30, और 30.25 आएगा तो वहां कितना आ जाएगा, 52.25। ऑप्शन दूर दूर थे, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल का यूज कर लिया, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। चलो चीजों में आप आगे चलो, करो सॉल्व फास्ट फास्ट, चीजों को जल्दी जल्दी थोड़ा सा सॉल्व करो। टीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन, एक तरफ एक्सपेंडिचर, एक तरफ सेविंग और बीच में इनकम। एक पर्सन ने अपनी इनकम का 33 1/3% सेव करा, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी, 1/3। अगर पर्सन की इनकम है 3 यूनिट, उसकी सेविंग कितना होगी, 1 यूनिट, तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। पर्सन की सेविंग को 22% इंक्रीज करा, एक्सपेंडिचर को 10% इंक्रीज करा, तो इनकम कितने परसेंट इंक्रीज होगी ये आपको फाइंड आउट करना। तो एलिगेशन अप्रोच में आपको एक बात मैंने ये समझाई थी कि इन दोनों का डिफरेंस करो, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा, 12 यूनिट, और इन दोनों के डिफरेंस को 2:1 में डिवाइड कर दो तो यहां पर कितना आ जाएगा, 8 यूनिट, और यहां पर कितना आ जाएगा, 4 यूनिट। अब आपको अगर कभी भी बीच वाला नंबर फाइंड आउट करना हो तो 10 में 4 को ऐड कर दो, बीच वाला नंबर आ जाएगा 14, या फिर 22 में से 8 को माइनस कर दो, बीच वाला नंबर आ जाएगा 14। बताओ भाई, समझ आई बात? तो अब और थोड़ा सा आगे चलते हैं, 3 4 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, और ऐसे ही आपको रेगुलर बेसिस पे एक एक कॉन्सेप्ट उठा के मैं वीडियो बना बना के डेली अपलोड करूंगा, शाम को 7 बजे। तो डेली इवनिंग में 7 बजे आपके सामने एक शॉर्ट वीडियो आएगी 20 या 25 मिनट की, और नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर, कि इलेक्शन में प्रीवियस ईयर में किस 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 टाइप के क्वेश्चंस आए हुए। एक बार इस क्वेश्चन को आप रीड करो और सॉल्व करने की कोशिश करो।
अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको बेसिक अप्रोच से जाना पड़ेगा, इसीलिए आपको मैं समझाता हूं कि हमें दोनों ही बातों का पता होना जरूरी है। एलिगेशन बढ़िया अप्रोच है, एक नंबर अप्रोच है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको बेसिक वाले मेथड की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप ऐसे नहीं करना कि आप केवल एलिगेशन के ही पीछे पड़ जाओ और इस बेसिक वाले मेथड को आप एकदम भूल ही जाओ। दोनों तरीके आपको माइंड में रखने हैं। एक पर्सन ने अपनी इनकम का 65% खर्च कर दिया। अगर पर्सन की इनकम है 20 यूनिट तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 13 यूनिट। अगर पर्सन की इनकम है 20 यूनिट, एक्सपेंडिचर है 13 यूनिट, तो सेविंग हमारे पास कितना होगी? 7 यूनिट। पर्सन की इनकम को, सॉरी, एक्सपेंडिचर को 17% इंक्रीज करा। पर्सन के एक्सपेंडिचर को आपने 17% इंक्रीज करा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे इनकम को आपने 20, एक्सपेंडिचर को 13 और सेविंग को 17 माना है, तो इसको आप मान लो 200 यूनिट, एक्सपेंडिचर को 130 और सेविंग को आप कितना मान लो? 70 यूनिट। अब ऐसा आपने क्यों करा है? क्योंकि तो जैसे ही आप जीरो को इंक्रीज कर लेते हो, जैसे पहले 20 था, अब आपने 200 मान लिया, पहले 13 था, अब आपने 130 मान लिया। ऐसा हम केवल इसलिए करते हैं क्योंकि इससे डेसिमल बनने के चांसेस कम होते हैं। बाकी इस क्वेश्चन में अगर अब भी डेसिमल बन गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप चीजों को डेसिमल लेकर ही सॉल्व कर लेना। तो पर्सन की इन एक्सपेंडिचर है 130, इसको 17% इंक्रीज करा, तो 13 17 जा 221, 221 मतलब 22.1, तो प्यारे बच्चों ये कितना आएगा? 152.1। सेविंग को आपने 37% इंक्रीज करा, तो जैसे ही सेविंग को 37% इंक्रीज करोगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा? 9, और 9 के बाद ये कितना आएगा? 20, 25, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 95.9। अगर मैं एकदम सही हूं तो ये 70 का 37% फाइंड आउट करके ऐड करोगे तो 95.9 आ जाएगा। और प्यारे बच्चों जैसे ही आप एक्सपेंडिचर में सेविंग को ऐड करोगे, जैसे ही एक्सपेंडिचर में सेविंग को ऐड करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगी? इनकम। तो यहां से 0.1 को उधर दे दो, कितना आएगा? 96। 152 में से 4 दे दो, 100 248। तो इनकम हमारे पास कितना आ गई? 248 रुपए। तो पहले इनकम थी 200 यूनिट, आज इनकम है 248 यूनिट, तो ये कितना इंक्रीज हुई? 48। और 48 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है? 720। 48 यूनिट की वैल्यू गिवन है 720, तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो। एक यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई, आपको फाइंड आउट करनी है ओरिजिनल इनकम, मतलब 200 यूनिट की वैल्यू। अगर एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास है और इसी में हम 200 से मल्टीप्लाई कर दें तो 200 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसको आप 24 से कट कर लो, जैसे इसको 24 से काटोगे तो ये कितना आएगा? 30, और यहाँ पर कितना आएगा? 2। 2 से काटोगे कितना आएगा? 15, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 3000। तो आपको मैं ये बता रहा हूं, आप ऐसे नहीं करना कि आप बेसिक वाले को छोड़ ही दो, कि आप एलिगेशन के पीछे ही पड़े हुए हो, क्योंकि
क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे सामने ऐसे भी आते हैं जहां पर बेसिक वाली अप्रोच का हमें यूज करना पड़ता है, तो आंसर हमारे पास आएगा ए 3000। चलो आगे चलते हैं चीजों में थोड़ा सा। अब देखो वापस से वही क्वेश्चन हमारे पास आ गया, खुद से सॉल्व करो और मुझे तो इसका आंसर बता दो अब आप कितना होगा। एक्सपेंडिचर सेविंग, दो क्वेश्चन आपको मैं और डिस्कस करा देता हूँ, बस इतना ही आपको करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। मेंस का सवाल है, सीजीएल मेंस 2019। एक पर्सन ने अपनी इनकम का 80% खर्च करा, तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी? 4/5। अगर पर्सन की इनकम है 5 यूनिट तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा? 4 यूनिट। इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे तो सेविंग हमारे पास कितना आएगी? 1 यूनिट। पर्सन की इनकम को 12% इंक्रीज करो, एक्सपेंडिचर को कितने परसेंट इंक्रीज करोगे? हमारी सेविंग 10% डिक्रीज हो गई। लगा दो वापस से एलिगेशन, एलिगेशन लगाओगे तो यहां पर कितना आएगा? 22। अब इसके बाद ऑप्शन देखो, यहां पर भी ऑप्शन थोड़े दूर दूर हैं। अगर ऑप्शन थोड़े दूर दूर हैं तो एलिगेशन का यूज आप कर सकते हो। तो यहां पर आप क्या करो, 22 की जगह पर 20 मान लो या 24 मान लो, लेकिन हिट एंड ट्रायल का यूज आप केवल तभी कर सकते हो जब ऑप्शन थोड़े दूर दूर हो। वैसे तो 22 से भी करना आसान है। लो मैं एक बार ये 22 सही कर देता हूं। यहां पे आप 22 ले लो, तो 4 की वैल्यू है 22, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू कितना आएगी? 5.5। अगर 1 की वैल्यू है 5.5 तो ये कितना आ गया? 5.5। अब यहां पर एक ऐसा नंबर आएगा, जब इस नंबर में से 12 को माइनस करोगे तो 5.5 बचेगा, तो यहां पर कितना आएगा? 17.5। ये हो गया भैया आंसर। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बैंक लो, सीजीएल लो, सीएचएसएल लो, सीपीओ, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आना लगभग फिक्स ही होता है इस वाले कॉन्सेप्ट। चलो थोड़ा सा आगे चल, ये टायर 1 का क्वेश्चन है 2019 का। चीजों को अब आप खुद से सॉल्व करना, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैंने अब करा दिए, और अब इसको आप खुद से एक बार ट्राई करना। ये भी वापस से सेम ही क्वेश्चन हमारे पास आ गया, तो इस टाइप के अब आपको मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए और 20 क्वेश्चन इनफ हैं। पहले आप क्लास वाले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना, उसके बाद ये 20 क्वेश्चन कर लेना, बस इससे ज्यादा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास में या तो आपको मैं प्राइस और कंजप्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, या फिर आपको मैं इलेक्शंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, और डेली शाम को 7 बजे आपके सामने ये 15-20-25 मिनट की वीडियो आएगी, शांति से बैठ के इसको देख लेना। उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को आपको कहीं से भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फिर, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।